आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। 25 जुलाई रविवार से भगवान शंकर का प्रिय मास श्रावण आरंभ हो गया है। भगवान शंकर को देवाधिदेव महादेव को श्रावण मास सबसे ज्यादा प्रिय होता है, ऐसा पुराणों में इस बात का उल्लेख है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। सिवनी के ऐतिहासिक मठ मंदिर में श्रावण मास में रामायण का पाठ आरंभ हो गया है। ऐतिहासिक मठ मंदिर, ऐसी मान्यता है कि मठ मंदिर में शिवलिंग की स्थापना आदि शंकराचार्य के द्वारा कराई गई थी। और एक मान्यता और है जिसके बारे में कोई प्रमाण तो नहीं मिलता, पर मान्यता जरूर है कि सिवनी में जो शिवलिंग है और काशी विश्वनाथ के शिवलिंग दोनों ही समान आकार के शिवलिंग हुआ करते थे जब इनकी स्थापना की गई थी। कहीं सिवनी को जो भगवान शिव की नगरी कहा जाता है सिवनी, उसके पीछे भी बहुत सारी मान्यताएं। ये मठ मंदिर का अभी जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है। मठ मंदिर के बाजू में एक ऐतिहासिक मठ तालाब भी है। मठ मंदिर के बारे में प्राचीन बहुत सारी मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि मठ मंदिर में अगर आप श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर लें तो आपकी मान्यता मुरादें सब पूरी हो जाती हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। मठ मंदिर को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है श्रावण मास में। सनातन धर्मावलंबी यहाँ बड़ी तादाद में आके भगवान शंकर की शिवलिंग की पूजन करते हैं। देवाधिदेव महादेव यहाँ विराजे हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि आदि शंकराचार्य के द्वारा यहाँ भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना कराई गई थी, इसलिए ये इसका महत्व अपने आप में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। ब्रेक के बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये मठ मंदिर का परिसर आप ये देख सकते हैं, मठ मंदिर को किस तरह सजाया गया है। श्रावण मास का पहला दिन सबसे बड़ा माह कहलाता है श्रावण माह, और श्रावण माह का पहला दिन रविवार 25 जुलाई 2021, 26 जुलाई सोमवार को पहला सावन सोमवार, 26 जुलाई को पड़ेगा अर्थात श्रावण मास के दूसरे दिन, उसके बाद दूसरा सोमवार 2 अगस्त, 9 अगस्त, 16 अगस्त, ये एक के बाद एक सोमवार पड़ेंगे। और ऐसा मान्यता है कि भगवान शिव को सोमवार के दिन अगर अभिषेक किया जाए, उनका पूजन किया जाए, तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भोले बाबा, ये देखिए देवाधिदेव महादेव का शिवलिंग यहाँ स्थापित है, और कितना मनोरम दृश्य है। यहाँ आपको मानसिक शांति इस मंदिर परिसर में अगर आप बैठ जाएं तो आपको मिलती है। यहाँ पर कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल के चलते शारीरिक दूरी का पालन किस तरीके से कराया जा रहा है आप देख सकते हैं। किस नायाब तरीके से दो रामायण के बीच में देखिए आप कितना अंतर रखा गया है, ताकि अगर कोई बैठकर श्रद्धालु बैठकर पाठ करे तो वो शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित हो पाए। मठ मंदिर महाकाल समिति इसके लिए निश्चित तौर पर बधाई की पात्र है कि उसके द्वारा कोरोना काल में भी भगवान शिव की पूजन अर्चन आराधना के लिए जो शासन के द्वारा SOP गाइडलाइंस जारी की गई, उन गाइडलाइंस का पालन अक्षरशः कराया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट।
भगवान शिव की नगरी सिवनी को माना जाता है और भगवान शिव की नगरी में मठ मंदिर का अपना एक अलग ऐतिहासिक महत्व है। मठ मंदिर के परिसर में ही, मठ मंदिर से अगर पश्चिम दिशा की ओर जाएं तो वहाँ मठ मंदिर से लगा हुआ ही मठ तालाब है। ये वाकई मठ मंदिर परिसर अपने आप में अलौकिक शक्तियों से युक्त है ऐसा माना जाता है। मठ मंदिर अगर आप जाते हैं तो आपको अलग ऊर्जा का अनुभव होता है ऐसा श्रद्धालुओं का कहना है कि मठ मंदिर में एक अलग ऊर्जा ही लोगों के मन में आती है। यहाँ आसपास रहने वाले तो नित्य प्रतिदिन यहाँ जाकर महाकाल बाबा, काल भैरव बाबा या आप जो भी नाम से इन्हें पुकार लें, देवादिदेव महादेव का पूजन अर्चन करने यहाँ पहुँचते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर रामायण का पाठ जारी है, महाकाल समिति की देखरेख में इसका निर्माण कार्य, मठ मंदिर समिति की देखरेख में निर्माण कार्य भी जारी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में अगर आपको ऑडियो बुलेटिन, वीडियोस और अन्य मौसम के अपडेट आदि पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। अखिलेश दुबे की रिपोर्ट, फिलहाल इतना ही, हम हाजिर होंगे, नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपका ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे, ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप खोल, जैसे ही आपको ये मिलता है आप ये राइट हैंड साइड में देखिए, सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोस, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।